अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैर वाफियत से होंगे। तो आज की वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इसमें छोटी सी ब्यूटी टिप है, होप्स हो कि आपको अच्छी लगेगी और आप इसको ट्राई भी करेंगे। तो ये रेमेडी जो आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ, बिल्कुल छोटी सी है, सिंपल सी है। सरसों का तेल तो घर में आम अवेलेबल होता है, आम रूटीन में हम इस्तेमाल भी करते हैं काफ़ी दफ़ा। तो अब ऐसा है कि आप बालों की केयर कर सकती हैं, बरसात का मौसम चल रहा है, बरसात के मौसम में अगर बालों की केयर की जाए तो बाल बहुत अच्छे रहते हैं अगले साल। तो आपने करना ये है कि सरसों का तेल लेना है और एलोवेरा जेल फ्रेश लीव्स का आपने निकाल के इस्तेमाल करना है। तो आपको बताऊँ कि कैसे इसको तैयार करना है, कैसे इसको इस्तेमाल करना है और कैसे आप अपने बालों की केयर कर सकते हैं। बालों को आप नेचुरली केयर दे सकते हैं बिना किसी मेडिकेशन के, या शैम्पूस वगैरह ऑयल वगैरह इस्तेमाल कर रही होती हैं लड़कियां, और कुछ लड़कियां अफोर्ड नहीं कर सकती हैं। तो उन सब के लिए ये ज़बरदस्त नेचुरल ट्रीटमेंट है जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपके बाल खुजे हैं, फीके हैं, या दो मुँह बना चुका है, या झाड़ियों नुमा बन चुके हैं, या सॉफ्टनेस नहीं है, या लाइटनिंग जो नज़र आ रही होती है बालों में, शाइनिंग जो नज़र आ रही होती है वो नहीं है, तो आप अपने बालों को खूबसूरत बना सकते हैं इस नेचुरल सी ट्रीटमेंट के साथ। सरसों का तेल लेना है, एलोवेरा जेल, दोनों को अच्छे से मिक्स करके अपने बालों में इस्तेमाल कर लेना है। तकरीबन एक घंटे के लिए आपने लगा रहने देना, उसके बाद लाजमन एक घंटे के बाद आपने शैम्पू कर लेना है। हफ्ते में एक दिन तो लाजमी इस्तेमाल करें, अगर आप हफ्ते में दो दफा भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। जैसे ही आपको टाइम मिले आप अपने बालों की पर तवज्जो दें और बालों की केयर करें। जैसे आप अपनी स्किन या अपने कपड़ों पर ध्यान देती हैं, अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा रखने की कोशिश करती हैं, जब तक बाल बुरे होंगे तो आपकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं होगी। तो आज से ही अपने बालों की केयर करना शुरू कर दें। तो दोस्तों, इस टिप को तैयार करने के लिए एक प्याली ली है। प्याली में मैंने एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी का पाउडर लिया है और कोलगेट पेस्ट लिया है। कोलगेट हर्बल ही यूज़ करना है आपने, क्योंकि ये स्किन को ठंडक भी देता है और स्किन पर वाइट हेड ब्लैकहेड्स होते हैं उनको रिमूव करने में भी हेल्प करता है। और देख लें, आपने इसमें देखा है कि मैं इसमें कोलगेट पेस्ट ऐड कर रही हूँ और इनको अच्छे से मिक्स करूँगी, और साथ ही इसमें एलोवेरा जेल जो कि फ्रेश लीव्स का निकला हुआ है वो भी ऐड कर लूँगी। तो आप फ्रेश जो एलोवेरा जेल निकालेंगे इसको आपने ग्राइंड कर लेना है, तो ये लिक्विड फॉर्म में बन जाएगी। तो आपने ऐसे ही इसको तैयार कर लेना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये थोड़ा थिक हो जाएगा तो हमने इसको थिन करने के लिए, थोड़ा सा थिन करने के लिए हम इसमें कच्चा दूध ऐड कर लेंगे। तो पहले हम इसी में ही मिक्स करेंगे इसको। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम जो जब बच जाएगा जो इसमें मिक्स नहीं होगा मज़ीद, तो हम इसमें दूध ऐड कर लेंगे। दूध आपने कच्चा ही लेना है, दूसरा नहीं लेना है। कच्चा दूध हमारी स्किन को ब्राइटनेस देता है, स्किन पर ग्लो देता है, जो दाग धब्बे होते हैं, डार्क स्पॉट्स होते हैं या छाइयाँ होती हैं उनको ख़त्म करने में हेल्प करता है। तो ये रेमेडी आपने तैयार करनी है और इस्तेमाल करनी है। आप चाहें तो डेली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देख सकते हैं हमारा मिक्सर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसको इस्तेमाल करेंगे, ड्राई होने तक लगा रहने देंगे और उसके बाद ठंडे पानी के साथ हम वॉश कर लेंगे। आप देखेंगे वाइटेड्स, ब्लैकेड्स नाक पर, चीक्स पर, लिप्स के करीब बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। ब्लैकेड्स वाइटेड्स ऑयली स्किन पर बनते हैं और एक्ने वाली स्किन पर बनते हैं।